नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। देश को नया राष्ट्रपति मिल गया है। 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जीत चुकी हैं। 25 जुलाई को वो अपना कार्यभार पूर्ण रूप से संभाल लेंगी। लेकिन ये जो राष्ट्रपति का चुनाव नतीजे आने से पहले और नतीजे आने के बाद कितना बदला और कितना बदलाव हुआ, इस पर एक चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब द्रौपदी मुर्मू का नाम फाइनल नहीं हुआ था, तब पूरे देश में ज़्यादातर विपक्षी दलों ने अपना प्रत्याशी चुना था यशवंत सिन्हा को, और ये कहा था कि इस बार हम इस चुनाव को जीत ले जाएंगे, अपने प्रत्याशी को जिता देंगे। क्योंकि पूरे देश के करीब 51% जो वोट था वो विपक्ष के पास था। लेकिन जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम फाइनल हुआ, उसके बाद एकाएक करके कई सारे जो विपक्षी दल थे वो खेमों में टूटते गए, और टूटते टूटते उन्होंने ये कर दिया कि नतीजे एक बार फिर से एनडीए की प्रत्याशी को जीत दिलाते हुए नजर आए हैं। वो एनडीए के प्रत्याशी जिनके पास चुनाव से पहले सिर्फ 49% वोट था, लेकिन चुनाव होने के बाद वो बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में जीतते हुए नजर आई हैं। अच्छा, ये हुआ कैसे, इस पर भी चर्चा और विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यह भी जान लेना और समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या एनडीए की जीत हुई है या विपक्ष के खेमे में इतना टकराव है, इतना बिखराव है कि वो एकजुट नहीं हो पाए, और इसी कारणवश कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर अलग अलग प्रदेशों में क्रॉस वोटिंग हुई, चाहे वो हम उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर अन्य प्रदेशों की बात करें। और एक आंकड़ा मैं अगर आपके सामने बताऊँ तो असम में 22, मध्य प्रदेश में 19, महाराष्ट्र में 16, उत्तर प्रदेश में 12, गुजरात में 10, झारखंड में 10, बिहार में 6, इन प्रदेशों में इतने नंबरों में क्रॉस वोटिंग हुई, जो कि कहीं ना कहीं जुड़ने के बाद एक बड़ी संख्या में तब्दील हुई, और उसी का नतीजा ये रहा कि द्रौपदी मुर्मू ने आसानी से बड़ी जीत हासिल कर ली। लेकिन हम उत्तर प्रदेश के नज़रिए से बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नज़रिए से बात करना इसलिए ज़रूरी है, यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें थीं, ज़्यादातर सीटें जो थीं वो बीजेपी के पास थीं, वोट उन्हें ज़्यादा मिलता। इसके अलावा अगर विधायकों की बात करें या विधानसभा या विधान परिषद की बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीटों का जो आंकड़ा था विधायकों का, वो बीजेपी के पास ज़्यादा था। लेकिन उसके मुकाबले अगर जो वोट उन्हें मिले हैं वो अगर जोड़े जाएँ, तो कहीं ना कहीं ये साफ साबित होता है कि विपक्ष के 12 ऐसे वोट थे जो एनडीए के प्रत्याशी के पास गए। ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने हमें नहीं बुलाया, विपक्ष के प्रत्याशी से हमें नहीं मिलाया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई, फ़ोन किया गया मीटिंग के लिए और फिर फ़ोन करके मना कर दिया गया, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, हम बीजेपी के यानी एनडीए के साथ जाएंगे और उनके प्रत्याशी को वोट देंगे। ये उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी। अब अंतरात्मा की आवाज़ थी या फिर अखिलेश यादव से नाराज़गी थी, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये नाराज़गी धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है, और बयान के बाद अब आज वाई सिक्योरिटी जो ओम प्रकाश राजभर को मिली है, उसने भी कहीं ना कहीं इस छोटे से गड्ढे को खाई में तब्दील करने का काम किया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को एनडीए के प्रत्याशी को वोट देने के लिए बीजेपी की तरफ से इनाम दिया गया है वाई सिक्योरिटी सुरक्षा के रूप में। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव का वोट भी द्रौपदी मुर्मू के पास गया था, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया था और बोला था कि उस प्रत्याशी को हम वोट नहीं करने वाले जिसने नेताजी को ISI का एजेंट बताया था, अखिलेश यादव पता नहीं कहां से खोज के इस प्रत्याशी को लेकर के आए हैं, हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे। और शिवपाल सिंह यादव ने भी अपना वोट जो था वो द्रौपदी मुर्मू को दे दिया था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 5 और विधायक ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। इस पर चर्चा विचार विमर्श जानना समझना हमें और आपको भी है, और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को भी जानना और समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उनके अपने वोट जब नहीं बच पाए तो कैसे वो ये कह रहे हैं कि हम 2024 में अपने प्रधानमंत्री को यानी अपने प्रत्याशी को जिता करके देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन ये तभी साबित हो सकता है जब आप अभी से अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ें। मजबूती आप देख सकते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले राष्ट्रपति का ये अहम चुनाव, जो कि अंतर आत्मा पर आ गया, और अंतर आत्मा
पर वोट दिया गया उसमें अखिलेश यादव के वोटों को किस तरह से काटा गया और उनके खुद के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके ये बता दिया कि बीजेपी ने अखिलेश यादव की नीतियों के अंदर किस तरह से सेंधमारी की है। अखिलेश यादव भी ये नहीं जान पाए कि उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग क्यों कर दी है। इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का ये जो गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं और अब उनके खुद के विधायक इस तरह के कदम क्यों उठा रहे हैं, क्या कारण रहा है और आगे की रणनीति क्या है, क्या सच में ओम प्रकाश राजभर को कोई इनाम दिया गया है। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। देखिए, इसको इस नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये वाई सुरक्षा जो है ये वोट देने के, हमने तो वोट 15 तारीख को फैसला कर लिया था और 14 तारीख को यह लेटर मुझे पता चल गया था कि यह गृह मंत्रालय मुझे जो है सुरक्षा देना चाहता है। अब उसके बाद आकलन लोग कर सकते हैं कहाँ में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि बहुत सारे दल हैं, कांग्रेस के भी साथ जा सकते हैं, बसपा के साथ, लेकिन अभी जिसके साथ हैं अभी वहाँ से तो कुछ बात बिगड़े तब तो हम वहाँ दूसरे की तरफ सोचें, लेकिन अभी वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। जैसा होगा 2024 के बारे में आपको फिर बताया जाएगा, जो भी आगे की रणनीति होगी वो सारी चीज़ें बताई जाएगी, लेकिन अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अगर वो हमको नहीं लेके चलना चाहेंगे तो हम स्वतंत्र रहेंगे और अपनी रणनीति 2024 का हम स्वतः तैयार करेंगे और जो जैसा भी रणनीति तैयार करेंगे हम आपको बता देंगे। नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है। आज भी सुभाषपा के जो समर्थक हैं जिलों में, क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिसकी उनके प्रति सोच अच्छी नहीं है, जिसकी सोच ही जातिवादी है, जो जाति विभेद के आधार पर अंतर करता है, द्वेष रखता है, जो बार बार आक्रामक हो जाता है, क्या उसकी सबकी मानसिकता बदल जाएगी? न तो सुभाषपा के समर्थकों को कोई जिलों में इस तरह की राहत होने वाली है, न ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का चरित्र बदलने वाला है या उनकी जो सोच है वो बदलने वाली है। सरकार ने उन्हें सुरक्षा दे दी, हमारी शुभकामनाएं, वो सुरक्षित रहें, लेकिन जिलों में जिस आधार पे पीड़ित शोषित वर्गों का अन्याय अत्याचार होता रहा है उससे वैचारिक रूप से लड़ा जाएगा और वैचारिक रूप से जो उनके साथ है वही लड़ पाएगा। और इससे पहले भी राजभर जी भाजपा के साथ अलायंस में थे, अगर उनके गठबंधन में जाने से सारे लोगों की समस्याएं सुलटती तो उन्हें बाहर ही नहीं निकलना पड़ता, वो तो दूसरी बार जा रहे हैं, कोई पहली बार थोड़े जा रहे हैं। अभी तो केवल वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है उन्हें, इससे पहले तो कैबिनेट मंत्री खुद थे, परिवार में भी 2-3 लोगों पर लाल बत्ती थी, पार्टी के भी 3-4 लोगों पर थी, तब अपने समाज का भला नहीं कर पाए और लोगों को, आप लोगों के बीच में लंबी उन्होंने लड़ाई लड़ी कि समाज के साथ अन्याय हो रहा है, तो दो नेताओं के मिलने से वो अन्याय खत्म नहीं होगा। तो विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उससे भी जुड़ गए हैं। सुनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, दयाराम भार्गव हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद इखलाक साहब हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आमिर साबरी साहब जुड़े हुए हैं। सभी हमारे आज के डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तारिक भाई आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आपके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और सुभाषपा जो आपके साथी हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि हम आप ही के साथ हैं, आप लोग अगर कुछ बताइए तो फिर आगे रास्ता चुना जाए। ये कैसे लोग हैं जो आपके साथ हैं? यही गाजीपुर में जहां पर इनको सुरक्षा दी गई है, यही इनके खिलाफ मुकदमा हुआ था। हाँ। और सुरक्षा भी गाजीपुर से ही अलॉट थी। हाँ। और यही अखिलेश यादव ने तो सेटिंग है उनकी, उनकी सेटिंग है वो, आप सेटिंग नहीं कर पाए अपने नेताओं की, वो वोट नहीं दिए आपको, उन्होंने सेटिंग कर ली। भाई अब सेटिंग है तो इस चीज को मान लेना, फिर बार बार क्यों कहते हैं कि सेटिंग नहीं है। सेटिंग कह रहे हैं कि सेटिंग पहले से किए थे, जब अमित शाह साहब से मिलके आए थे। हाँ। तब तो आपके 16 लोगों के खिलाफ आपके साथ मुकदमा दर्ज किया था इन्होंने गाजीपुर पे, जहां पर आपके ऊपर हमला हुआ था, जहां जगह जगह आपकी गाड़ी रोकी जाती थी। अब एक कैबिनेट मंत्री के लिए वायु श्रेणी की सुरक्षा और सुरक्षा का मानक भी इनका बड़ा अजीब है। अभी इरफान सोलंकी की गाड़ी पे हमला हुआ, आप दे देते सुरक्षा? भाई सुरक्षा तो कोई जनप्रतिनिधि है या ऐसे लोग हैं जिनकी जान को खतरा है, उनको आप दीजिए। आपने बृजभूषण साहब को अभी सुरक्षा दी, किसी ने ऐतराज किया? नहीं किया। मगर सुरक्षा, क्या आपको नहीं लगता कि सुरक्षा की वजह से दिया गया ये? सुरक्षा की वजह से कहा, ये तो बात हो आई थी जब गए थे अमित शाह साहब से मिलने और जब मुर्मू जी की मीटिंग में गए थे। हाँ। तो वहां सिर्फ रोटी दाल थोड़ी ना खाई थी, वहां ये भी बात हो गई थी कि कुछ ना कुछ दे भी देंगे, इनाम एमएलसी बना देंगे। अच्छा। लड़के को एमएलसी बनाने के लिए परेशान थे, वो भी बात हो गई है, सब पता चल जाता है। अच्छा। तो जब सारी डील हो गई है
तो आप अखिलेश यादव का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप अपना निर्णय लीजिए। हर पार्टी की विचारधारा है, आपकी विचारधारा है, अगले चुनाव में जनता आपको जवाब देगी कि आप कहाँ गए हैं। भाई आपको कोई भी चुनाव अपने बल पे नहीं है, आप समझिए बात। जनता ने इनको मैंडेट दिया, बीजेपी के अगेंस्ट दिया था, सीधी सी बात मैं पूछता हूँ। अगर ये काम कोई भी पार्टी करती है, मैंडेट जो था इनको, जो छह विधायक इनको दिए, वो अगेंस्ट द बीजेपी दिए। अगर सभी के साथ होते तो छह की जगह हो सकता है 12 जीत जाते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो छह मैंडेट था वो अगेंस्ट द बीजेपी था, तो कैसे आपकी विचारधारा बदल गई? आप बीजेपी के साथ हो गए तुरंत, मतलब शून्य है विचार। अंतरात्मा से आवाज आई होगी ना, अंतरात्मा से आवाज, अंतरात्मा की आवाज पे वीवी गिरी साहब को पांचवे लोग प्रेसिडेंट चुनाव में वीवी गिरी साहब थे, कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं थे वो, कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा कर वीवी गिरी साहब को इंदिरा गांधी ने कहा था कि वीवी गिरी को जिता दो, और कांग्रेस के कैंडिडेट थे रेड्डी साहब, उनको हरा के वीवी गिरी इंडिपेंडेंट थे, उनको जिता दिया गया था। तो भाई देखिए, ये चुनाव तो होता है अंतरात्मा की आवाज पे, बहुत से विधायकों ने दिया। अच्छा चलिए, मैं ये कह रहा हूँ, ओपी राजभर तो चलिए बेवफा सनम निकले, आपके और भी तो साथी थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, उनका क्या था मामला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके उनको उनके बारे में पता लगाया जाएगा, क्योंकि इनवैलिड वोट भी हो सकते हैं, लेकिन क्रॉस वोट से इनकार नहीं किया जा सकता। एक क्रॉस द लाइन क्रॉस वोटिंग हुई है, मैं मानता हूं, क्योंकि इतना कम वोट मिलना सिन्हा साहब का ये दर्शाता है कि कई स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे मध्य प्रदेश में भी खबर आ रही है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, तो कई स्टेट में जहां पर देखिए, जहां पर जातियों का समीकरण है वहां पर क्रॉस वोटिंग हुई है। लेकिन मैं समाजवादी का होने के नाते सीरियस कंसर्न जता रहा हूं इस बात पे कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो समाजवादी पार्टी को इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इसमें इस चुनाव में आपको नहीं लगता कि शिवपाल जी की बात को सीरियस लेना चाहिए था, जो उन्होंने कहा था कि ऐसे प्रत्याशी को क्यों उतारा जिन्होंने नेताजी को आईएसआई का एजेंट तक बताया था? नेताजी ने खुद वोट दिया है, आप समझिए, जिन लोगों ने नेताजी पे आरोप लगाया कि कारसेवक को मार डाला, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, वो लोग डिफेंड करेंगे नेताजी को। अब आप एक बात बताइए, तो उस बात को ले लीजिए फिर, तो नेताजी ने मोदी जी को आशीर्वाद दे दिया था, उसी बात पे आ जाइए, फिर लोग कहेंगे कि नेताजी ने तो आशीर्वाद दे दिया था। आप क्या है, देखिए ये सब बातें, नेताजी ने खुद जाके वोट दिया है, आप बताइए, आप नेताजी के वोट पे तो क्वेश्चन कर नहीं सकते, जबकि वो चल नहीं पाते, खुद वोट दिया, जब वो यहाँ आए थे वो नेताजी से मिले भी थे, वो बात खत्म हो चुकी है। ऐसे राजनीति में हजारों बात है, अभी बीएसपी ने आपको कहा कि आपने गरीब लोगों पे और एक तबके पे बुलडोजर चलाया, तो आपको बीजेपी का वोट नहीं लेना, बीएसपी का वोट नहीं लेना चाहिए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें होती रहती है, लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, कैंडिडेट को देखा है, ये सारी बातें मानी जा रही है। और मैंने बार बार कहा था, ये बात आप ही के चैनल से भी कहा था, कि मुर्मू जी का संघर्ष सम्मान देने वाला है, और सिन्हा साहब के अचीवमेंट भी कम नहीं है, प्रशासन पर, फाइनेंस मिनिस्टर, मगर ये अपने ही लास्ट बात, ये अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर की बुराई करने से नहीं चाहिए, बस यही एक सवाल है, क्यों करते हैं बुराई? आपका फाइनेंस मिनिस्टर था, आज बुरा हो गया वो, अगर प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रहा है आपके खिलाफ, बस ठीक है ठीक है। दयाराम भार्गव साहब हमारे साथ सुबह स्पष्ट हैं। भार्गव साहब, सुना होगा आपने तारिक खान क्या कह रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि डिनर में जब गए थे तो खाली डिनर ही थोड़ी ना खाए थे, खाली रोटी नहीं खाए थे, वहाँ पे रबड़ी वाली बात भी हुई थी, और वही वाई कैटेगरी में कुछ मिला है आप लोगों को? नेता ओम प्रकाश राज ने कहा था, हमें पूछा नहीं गया, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को सोचना चाहिए ना, ये जब आपने पूछा ही नहीं, बड़ी पार्टी के छह विधायक है, उनको भी दल है, एक दल है, वोट देना है, अब वोट तो मांगा नहीं गया, आप बताइए वोट भी नहीं मांगा गया, अब उसके बाद इधर से प्रदेश के मुख्यमंत्री भी घोष करते हैं, उधर से गृह मंत्री भी, और स्वयं राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार रही तत्कालीन इस समय जो चुनी गई है, स्वयं आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर को फोन किया। अच्छा राजभर जी, आपका वोट जो है वहाँ बुला नहीं रहे हैं और आपसे मांगा नहीं जा रहा है, मैं मांग रही हूँ मुझे दीजिए, क्योंकि जिस समाज की आप नुमाइंदगी करते हैं, जिस समाज को बढ़ चढ़ करके आप टीवी मीडिया में या लोगों में बताते हैं, मैं उसी समाज से आती हूँ, मुझे वोट दीजिए। तो जाहिर की बात है, जनवासी समाज पार्टी आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है, और पहली बार कोई आदिवासी समाज से कोई जो है महामहिम की कुर्सी पे जाने का रास्ता अगर चुना है, तो अगर हमारा वोट मांगा नहीं गया, हमारे पास दो कह रहा हमें वोट देना है, तो जाहिर सी बात हमें
पूछा गया वहाँ वोटर ने वोट दिया, लेकिन इसका अर्थ का अनर्थ हमारे भाई तारिक खान की जो निकाल रहे हैं ये उनका अपना विवेक हो सकता है। नहीं वो कह रहे हैं क्यों साथ में हो, वो ये भी कह रहे हैं साथ में क्यों, जो सब कुछ उधर से चल रहा है आप लोगों का, सारी इंजीनियरिंग उधर सेट हो रखी है। नहीं आप बताइए, हमको आप बुलाए नहीं, रोड मांगे नहीं, बताए हम कहाँ जाए। ये तो जवाब आपका हमारे तारिक भाई दे नहीं। तारिक भाई आऊंगा, सुन लीजिए पूरा आऊंगा। कई बार हम इनसे पूछे कि भाई आप हमको बुलाए नहीं वोट के लिए, जो आपके विपक्ष के प्रत्याशी थे उनको आप बुलाते हैं, एक बार हमको कहते कि आप आइएगा, उसके बाद फिर मना कर देते हैं। तो आप बताइए कौन सा, आप ही बताओ ना कि करा तो क्या करा जाए, वोट तो हमको देना है ना। हमारे छह में से एक जो है विधायक नहीं पहुंचे, जिन पे एलबीडब्ल्यू लगा हुआ था, उसकी वजह से नहीं पहुंचे, पांच विधायकों ने वोट दिया। और हमें इस गौरव महसूस हो रहा है कि महामहिम की कुर्सी के लिए कम से कम जिस समाज की नेताजी नुमाइंदगी करते हैं आदिवासी समाज की, वंचित की, पिछड़े दलित की, कम से कम उनके लिए ये लोग ये भी कह रहे थे कि जिनकी जिनकी बुराई आप लोग चुनाव से पहले करते आ रहे थे उन्हीं लोगों ने आपको सुरक्षा दे दी। नहीं नहीं देखिए, मैं नितिन भाई बताना चाहूंगा, हमारे सारी भाई को जानकारी होना चाहिए। आज के भाई तीन महीने पहले की कहानी है, जब आदरणीय नेता जी पे जो है हमला हुआ था उससे पांच छह महीने पहले की बात है। और उस समय समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जब उस हमले की निंदा किया था और सुरक्षा मांगने का काम हमारे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने किया था, और स्वयं भारतीय समाज पार्टी के 75 उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को, गृह मंत्रालय को ज्ञापन दिया गया था उत्तर प्रदेश के 75 जिलों द्वारा। और ये सतत प्रक्रिया है नितिन भाई, ये तो देखो हमारे तारिक भाई कुछ भी कहे, सुरक्षा के ऊपर गृह मंत्रालय ये जांच पड़ताल करता है, जानकारी करता है, और उनकी जानकारी में ऐसा है तो ये सतत प्रक्रिया है सुरक्षा का, उसके तहत ये सुरक्षा मिला है, उसमें सुरक्षा जो मिला है उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी हाथ। ठीक है ठीक है, हाँ तारिक भाई सुन लिया आपने, आप लोग का भी हाथ है इसमें। शाही साहब इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। अरे भाई मेरा देखिए भाई, मेरा बहुत सीधी सी बात है कि क्या बहुत से लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, मुर्मू जी को वोट दे दिया, तो क्या उन सब लोग कहेंगे कि हमको बुलाया था या नहीं बुलाया था? आपकी सारी चीजें निर्भर समाजवादी की प्रतिक्रिया पे ही है कि समाजवादी क्या करेगी, बस हम तुरंत निकल लेंगे। अरे भाई आपकी अपनी कोई विचारधारा है कि नहीं है, आपके अपने कोई मुद्दे हैं कि नहीं है? क्या वर्गीकरण वाला मुद्दा पूरा हो गया? क्या आपकी जो रोड नहीं बनवाई थी बेटे की, जब शादी थी जब आप घूमते थे और योगी जी आपकी बात नहीं सुनते थे, अब सुनने लगे शायद मोदी जी, अमित शाह साहब ने फोन किया होगा योगी जी को कि ऐसा है अब बात सुन लेना इनकी, तभी तो वहां दिल्ली गए थे, इतनी जल्दी मीटिंग कराए। मतलब मैं कह रहा हूँ आप डायरेक्टली वोट दे देते, समाजवादी को ना इन्वॉल्व करते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी भाई। कैंडिडेट मैंने कहा दोनों अच्छे थे, एक का अचीवमेंट अच्छा है, एक का संघर्ष की मैंने तारीफ की, आप दे देते वोट। लेकिन आप बार बार समाजवादी को लेके आते, इंडिविजुअल, आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ था, आप अखिलेश यादव इंडिविजुअल पे क्यों प्रहार करते जब आप हैं साथ में रहकर भी बीजेपी करें, मुझे कोई आतरस नहीं, हम बीजेपी पे करें वो आप ठीक है, तारीफ भी है, इंडिविजुअल प्रहार भी कर रहे हैं। ठीक है दयाराम जी बोल लीजिए जल्दी से फिर आगे बढ़ू। हाँ देखिए नितिन भाई, मैं अपने भाई तारिक खान से बताना चाहूंगा, ये बार बार कह रहे साथ में, अरे साथ में तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी समाजवादी के साथ है ना। हमने कब मना किया है? ये चुनाव हमने जो है एनडीए के राष्ट्रपति जो प्रत्याशी उनको दिया है, आज भी हम अपने स्टैंड पे कायम है। आप सुरक्षा की बात करते हो, सुरक्षा तो भारतीय क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी ने धोनी दिया है, अरे भाई वो तो सब प्रक्रिया है, और साथ में उस सुरक्षा को मांगने का काम समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने किया था, तो ये तो हमारे कार्यकर्ताओं के और लोगों की जो है गृह मंत्रालय ने जो सुरक्षा पे सवाल नहीं उठाया, सुरक्षा पे कोई सवाल। ठीक है प्लीज, ठीक है। हाँ शाही साहब हमारे साथ हैं बीजेपी से। शाही साहब, तारिक खान कह रहे हैं कि सब कुछ अंदर आप लोग अपनी इंजीनियरिंग सेट किए हुए हैं, सामने बस नहीं आ रहे हैं। जो चीज कह रहे हैं वो खुद ही कंफ्यूज हैं, आपके सवालों से किस तरीके से वो भाग रहे हैं ये देखें कि अंदर उनके यहाँ क्या हो गया। कुल मिलाकर 125 लोग हैं, 125 में हम कह रहे हैं कि सुभाषपा ने और माननीय शिवपाल जी ने मना कर दिया था कि हम वोट नहीं देंगे, लेकिन बाकी 111 वोट क्यों मिला, इस पर विचार करने की बात तारिक भाई नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ 111 वोट क्यों गया। मैंने एक दिन पता नहीं आपके चैनल पर या कहीं और कहा था कि 2024 आते आते सपा की जो स्थिति है, सपा में बहुत भारी टूट सुनिश्चित है,
अब वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे, ये भविष्य की चीज है, वो बहुत अस्पष्ट हो रही है, क्योंकि सपा का नेतृत्व उसी तरीके से हो गया है जिस तरीके से आज जो है उद्धव ठाकरे जी हैं। नीचे नीचे देखिए ये लोग जो है कैसे चले गए, कहां की आवाज सुन लिए, और अभी तारिक भाई ने कहा कि जहां आदिवासी लोग हैं वहां लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश में भी क्या इनके आदिवासी विधायक हैं कोई जिनका हृदय परिवर्तन हुआ हो? हम सहजिल इस्लाम की बात नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी इतने लोग कहां गए? तो तारिक भाई आत्ममंथन आत्मसमीक्षा की बात है, भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। आप सुरक्षा मांगिए तारिक भाई, शासन को लगेगा समीक्षा के बाद तो आपको भी सुरक्षा मिलेगी। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने एक बार घर की बात कही थी, उनको घर भी दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? एक बार माननीय मुलायम सिंह जी के साथ जो जाकर मिलने का काम कई बार, एक नहीं कई बार योगी जी किए, क्या वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए? तो ये मिलना और बात करना और सुरक्षा देना, गाजीपुर में जो घटना हुई इस तरीके की घटना हुई थी उनसे, उसके बाद उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई। 15 तारीख को सुरक्षा जारी कर दी जाती है, 15 से और आज 22 है, अभी तक किसी का बयान नहीं आया था। जब आज प्रकरण सामने आया है तो तारिक भाई और तारिक भाई के और दल के नेता लोग चिल्लाना शुरू किए, सुरक्षा क्यों दे रहे हैं? भाई वो माननीय विधायक हैं, और रही बात वो हमारे गठबंधन के साथी के, ये तारिक खान तो कह रहे डिनर करने गए थे तो उसी दिन सब कुछ सेट हो गया था। देखिए तारिक भाई, मैंने कहा ना आरोप लगाएंगे, और रबड़ी की बात भी की उन्होंने, तो क्या रबड़ी इन्होंने इनके यहाँ नहीं थी क्या जो इन्होंने वो तलाक दे दे? क्यों नहीं तलाक दे रहे हैं? बोल दे कि भाई हम तलाक देते हैं, हम नहीं रखेंगे आपको, जाइए आप, दयाराम जी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो भी तो नहीं कर रहे हैं, साफ छुपते भी नहीं हो, नजर आते भी नहीं। तो ये कहानी जो है कहने से काम नहीं चलेगा, स्पष्टता आनी चाहिए किसी भी चीज में। आप सुरक्षा किसी को मांगिए, सरकार और शासन का है वो, शासन जरूर समीक्षा करता है। और गाजीपुर की घटना का जिक्र मैं कर रहा था, वहां पर जो बवाल हुआ था उसके बाद उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, उस पर विचार हुआ, रिपोर्ट आई, 2-3 महीना लगा उसमें, उसके बाद उनको सुरक्षा दी। ठीक है सर, ठीक, मैं आता हूँ। मोहम्मद इकलाक हमारे साथ प्रिंसिपल हैं। इकलाक भाई, शिवपाल जी का तो समझ आता है, उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था, सपा के कुछ और विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उन्होंने क्यों की, क्या आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? देखिए हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जमीनी नेता है, हमेशा संघर्षवादी नेता है, जनता के बीच रहने वाले नेता है और सही सुझाव देने वाले नेता है। और जिस व्यक्ति ने, सिन्हा जी ने हम आदरणीय नेताजी का अपमान किया था, उनको आईएसआई का एजेंट बताया था, तो जिन समाजवादियों को जमीर जिंदा होगा तो बिल्कुल वोट नहीं करेगा उनको। तो ये बात अखिलेश यादव जी को समझनी चाहिए। आज विपक्ष एक साथ क्यों नहीं है? भाई नेता विपक्ष तो अखिलेश, प्रतिपक्ष तो अखिलेश यादव जी हैं, उनका काम है सबको एक साथ रखना, क्यों वो शिवपाल जी को नजरअंदाज करते हैं, क्यों राजभर जी को नजरअंदाज करते हैं? नेता जी ने खुद कहा था कि चलो, क्या तारिक भाई ने अखिलेश जी ने नेताजी का वोट देते हुए देखा है? नेताजी ने किसको वोट दिया है? ये तो नेताजी के ऊपर उन्होंने किसको वोट दिया है, शायद हमारे तारिक भाई ने उस वोट को देखा होगा कि वोट नेताजी ने किसको दिया है। आप हमें बताए, शिवपाल जी को किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है, शिवपाल जी का अपमान किया जाता है, जब आपको जरूरत होती है तो आप उनके घर चले जाते हैं, उनको मनाने चले जाते हैं, एक सीट पे वो मान जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं, अपनी पार्टी, अपने लोग, अपने सभी लोगों को, आप नेताजी को बीच में ला रहे हैं, आप तो आप ये भी कह देंगे कि अखिलेश जी ने भी नहीं दिया है। नहीं, नेताजी को क्यों नहीं बीच में हम लेके आएंगे? नेताजी हम सबके आदर्श है, समाजवादी के आदर्श है। हमारा जमीर इतना नहीं मरा है कि हम नेताजी के अपमान करने वालों के साथ देंगे, अपने बगल में बैठाने काम नहीं करेंगे। हमारे नेता कभी नहीं ये कह सकते हैं कि जिन्होंने नेताजी का अपमान किया उनको हम अपने साथ बैठाएंगे, कैसे हम उनको वोट दें? ठीक, आगे कुछ रणनीति आप लोग की चल रही है क्या? सुनने में आ रहा है कि शायद शिवपाल जी की राजभर साहब से भी मुलाकात मुलाकात चल रही है, और ये तारिक खान एक और, मेरी पहले भी डिबेटों में ये मेरे साथ बैठे हैं, तो ये कुछ बधाई वधाई देने लग जाते हैं उपाध्यक्ष को लेकर के, मुझे आज तक समझ नहीं आया कौन सी बधाई देते। तारिक भाई कौन सी बधाई रहती है वो? विधानसभा उपाध्यक्ष बनना है ना इनको बीजेपी के वोटों से, वो आप तय नहीं करेंगे हमें क्या बनना है, विधानसभा उपाध्यक्ष बनेंगे नहीं नहीं, वो आप तारिक भाई आप तय नहीं करेंगे हमें क्या बनना है, वो जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश की कि माननीय शिवपाल जी यादव जी को क्या बनना है। हमें टिप्पणी करने का अधिकार है, हम कह रहे हैं कि आप सम्मान तो कर नहीं सकते अपने लोगों का, तो टिप्पणी करेंगे वही ठीक है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए।
आप सम्मान करना सीखिए। अहंकार 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 जब आपके सर पे बोल रहा है चढ़ के 14 हारे 19 हारे 17 हारे 22 हारे तो ये अहंकार ही बोल रहा है जो अपने लोगों का सम्मान नहीं कर सकते। अरे कुछ चीजें नेताजी से भी सीखिए, उसको भी जोड़ लो, कुछ नेताजी से भी सीख लेते। इस्लाम भाई दो और जोड़ लीजिए ना, आजमगढ़ और रामपुर, इसको कहे छोड़ दे रहे हैं। नहीं छोड़ नहीं रहे, घर से निकल ले, अपने भाई के लिए वोट मांगने नहीं जाते हैं। और जयप्रकाश नारायण, अरे लोहिया जी के विचारधारा रखने वाले नेताजी का भी सम्मान आपने नहीं किया। अरे नेताजी छोड़ दीजिए, वो अखिलेश जी के पिताजी है, इसी का सम्मान अगर आप आपकी पार्टी आपके नेता कर लेते तो क्या चला जाता भाई। तो क्या आगे कुछ रणनीति आप लोगों की चल रही है क्या? देखिए हमारी मीटिंगें चल रही है और हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह, आ रहा हूँ तारिक भाई सुन लीजिए, देखिए कुछ और ये बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि कोई मीटिंग भी चल रही है। देखिए हमारे राष्ट्र कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है, प्रदेश की मीटिंग चल रही है, हमारे नेताओं की मीटिंग चल रही है पार्टी कार्यालय पे, और आने वाले समय में जो भी डिसीजन हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी लेते हैं आप सबके सामने बता दिया जाएगा, जो भी डिसीजन वो लेंगे। ये राजभर साहब भी शामिल हैं उसमें? देखिए ये हमारे नेताजी हमारे राष्ट्र कार्यकारिणी तय करेगी कि वो क्या होगा, जो भी होगा आपको आने वाले समय में बता दिया जाएगा। ठीक है, आमिर साबरी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। साबरी साहब आप इस पूरे वाक्य को किस नज़र से देखते हैं? क्रॉस वोटिंग हुई है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जो पूरे मजबूती से राष्ट्रपति चुनाव के पहले दमखम भर रहे थे कि हमारे विधायक उन्हीं के विधायकों ने कहीं और जाकर के घर बना लिया। बहुत शुक्रिया नितिन जी कि आपने इस बहस में मुझे शामिल किया जी। देखिए पहले होती थी विचारों की राजनीति, समाज के लिए राजनीति लोग करते थे, लेकिन अब राजनीति अपने स्वार्थ के लिए हो गई है, और किस तरीके से हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, अब राजनीति का सारा दारोमदार जो है केंद्रित यहीं पर आकर हो गया है। देखिए ये तो सच है कि क्रॉस वोटिंग हुई, और ये भी सच है कि जैसा अभी अन्य हमारे पैनलिस्ट जो पॉलिटिकल बैठे हैं, राजनीतिक बैठे हैं, उन्होंने जो अखिलेश जी पर इल्ज़ाम लगाए हैं, कहीं ना कहीं वो सच हैं। देखिए ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि अखिलेश जी में अहंकार बहुत है, और अखिलेश जी दूसरों को तो छोड़ दीजिए, ये बात सच है कि अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, ये बात मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैंने स्वयं देखा भी, और बहुत मौकों पर देखा गया है कि जो उनकी पार्टी के सीनियर विधायक हैं वो उनको सम्मान नहीं देते। तो अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आदमी के जो मन में टीस होता है, एक दर्द होता है, वो कहीं ना कहीं निकालेगा। तो क्रॉस वोटिंग हुई इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब इसकी जाँच करें ना करें ये उनका अपना पार्टी का पर्सनल मामला है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से दूसरी पार्टियों को बदनाम किया जाता है कि उन्होंने वोट दिया उन्होंने दिया, देखिए द्रौपदी मुर्मू को मैं नहीं समझती कि वो भाजपा की तरफ से कैंडिडेट थी, वो संघ के द्वारा एक कहना चाहिए, मैं अगर शब्दों बदल कर दें प्रायोजित कैंडिडेट थी तो गलत ना होगा, इसलिए कि आज 1.5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है, और बहुत बड़ी आबादी दलितों के बाद आदिवासियों की है, और जो कम से कम मेरा ख्याल है 5 सूबों में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ये बड़ी आबादी आदिवासियों की है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू को निकाल करके लाया गया है। और देखिए जहां तक के नाम चल रहा था राष्ट्रपति में, तो दो नाम बड़े चले, जैसे एक अभी इस हिंसा को लेकर के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वो हुआ था उसको लेकर के एक बड़े आंदोलन में बवाल हुआ, हिंदू मुस्लिम एक फीलिंग पैदा की गई, उसके बावजूद हो सकता था कि विदेशों में जो इनकी छवि खराब हुई तो उसमें नाम चला था कि आरिफ मोहम्मद खां को भी बनाया जा सकता है राष्ट्रपति, या मुख्तार अब्बास नकवी बनाया जा सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एकदम अचानक कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था द्रौपदी मुर्मू का, और लेकर के द्रौपदी मुर्मू का नाम आया उछल करके, तो उससे ये पता चल गया कि एक बड़ा कार्ड ये आदिवासियों के लिए खेला गया है। लेकिन अचानक फिर इसी पीरियड में मुख्तार अब्बास नकवी का इस्तीफा हुआ, जब इस्तीफा हुआ तो लोगों को यह लगा कि मुख्तार अब्बास नकवी अब उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ, अचानक धनगढ़ निकल के आ गए। तो कहीं ना कहीं देखिए नितिन जी, इसमें विचारों की तो राजनीति अब नहीं रह गई, अब कहीं ना कहीं स्वार्थ टकराते हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ये यूपी में जो क्रॉस वोटिंग हुई ये भी स्वार्थ वाला कुछ मामला, बिल्कुल स्वार्थ वाला मामला है। देखिए अभी जैसे हमारे अभी अश्वनी जी ने एक नाम लिया था, जो नाम लेकर धीरे से निकल गए, शहीदुल इस्लाम का। मैं बता दूं आपको, शहीदुल इस्लाम के ऊपर जो पेट्रोल पंप तोड़ा गया, उनके ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा मतलब घाव दिए गए, तो वो उसमें अखिलेश का एक सिंगल लाइन का बयान नहीं आया, जबकि नेताजी के समय में मुझे जहां तक याद है मुलायम सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह के वक्त में, कि भले मुलायम सिंह चाहे कैसे हो, चाहे भाजपा से उनकी सांठगांठ क्यों ना रही हो, लेकिन अपने आदमी के लिए वो सड़क पर तुरंत उतरते थे।
इतने बड़े नेता आजम खान लगभग 2 साल जेल में रहे, 2 साल से बल्कि ज्यादा रहे जेल के अंदर, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई आंदोलन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, यहाँ तक कि अखिलेश जी ने कोई बहुत बड़े बयान भी नहीं दिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे अभी उसी को लेकर के शायद अभी आजम खान का अटल प्रेम भी जागा था, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आजम खान ने भी क्रॉस वोटिंग की हो नितिन जी? ये बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि अभी हमने देखा कि आजम खान को अटल का एकदम प्रेम जाग गया और अटल प्रेम के चक्कर में वो अटल जी का कसीदा तक पढ़ने लगे। अभी अभी की बात है, कोई बहुत दिन नहीं हुए, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। तो कहीं ना कहीं नितिन जी देखिए, जो टीस है, जो दर्द है, वो कहीं ना कहीं छलकता जरूर है। एक कहावत नहीं है कि चोटों के ओखली के भीतर और चोटों के बाहर, तो ये छुपता नहीं है। ओपी राजभर साहब को क्या उसमें फायदा मिला? देखिए, ओपी राजभर का यही फायदा हो गया, मान लीजिए कि उनको सुरक्षा मिल गई, अब ठीक है। भले उस टाइम समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने ही, जैसे कि अभी कह रहे थे सुभाष पा के हमारे प्रवक्ता जी, कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने मांग की थी, लिखित दिया था, तो ठीक है, अब यही उनको सुरक्षा मिल गई, यही कि हम भौकाल से जाएंगे जनता के बीच, अपनी बात सुनेंगे, लोगों की अपनी बात रखेंगे, भाई नेता तो मतलब एक तरह से माना जाए कि इनाम मिला है। हाँ हाँ बिल्कुल, इनाम जयराम भार को मना कर मिला, क्या इनाम, बेनामी है ये मिलने वाली। देखिए जाहिर सी बात है, हम अपने को इल्जाम क्यों लगने देंगे भाई? हम अगर कोई इल्जाम लगाएगा, देखिए इल्जाम लगाना भी आसान है और इल्जाम धोना भी बहुत आसान है। भाई आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाते रहिए, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अच्छा, जो सच्चाई है वो तो कहीं ना कहीं सामने आती है, छुपती तो है नहीं। देखिए कहावत है, गांव में कहते हैं जो हांडी में पक्का है वो सामने आएगा, थोड़ा सब्र कीजिए। तो कुल मिलाकर ये भी सब्र का विषय है, आज नहीं तो कल सामने आएंगे। या दूसरी कहावत कही जाती है कि नए नए बाल कितने गए, कैसा अभी मूर्ता वो भी सामने आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज नहीं तो कल, चंद दिनों की देरी है, सब कुछ सामने आ जाएगा। साहब क्या कह रहे थे जी? अभी देखिए, हमारे साबरी साहब ने जो कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जो चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो आरएसएस की प्रायोजित कैंडिडेट, क्या वो साबरी साहब हमसे, आपसे, तारिक भाई से, या किसी सुभाषपा से या प्रसपा से पूछकर जो है तय किया जाएगा? अरे भारतीय राजनीति में, हम लोग राजनीति में सब इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमने अगर सोच विचार कर, एक दूरदर्शिता देखकर हमने किया, ठीक है हम राजनीति कर रहे हैं, आप जो गिनवा रहे हैं। तो ये आपका जो सवाल है प्रायोजित कहने का, ये मतलब क्या कुंठा है, या आपका ऑब्जर्वेशन है, या आपने समीक्षा किया है? आरएसएस का नाम उसमें आपने डाला है, इसलिए मैंने ये सवाल किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप एक एनडीए के तरफ जी, आप इल्जाम से इस बात दे सकते हैं। देखिए एक बात सुन, मैंने सुन लीजिए मेरा खत्म हो जाए, फिर जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के तरफ से एक कैंडिडेट खड़ा किया, और हम यहाँ पर जो है घास छीलने नहीं आए हैं। भारत में हम राजनीति हम भी करते हैं, हमको कहाँ कहाँ, हमको जीत का आश्वासन था, हम ये जानते थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग एक एक वोट के लिए सबसे संपर्क कर रहे थे। उसी क्रम में माननीय सुभाषपा अध्यक्ष भी थे, शिवपाल सिंह जी भी थे, राजा भैया भी थे, ये सब लोग थे। लेकिन आप लोगों ने जिस उस विपक्ष के जिसने उस कैंडिडेट को खड़ा किया यशवंत सिन्हा जी को, उन्होंने वहां घुसने नहीं दिया पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में आए, यहां पर क्रॉस वोटिंग होकर चली गई। तो ये आप विपक्ष समीक्षा करे, भारतीय जनता पार्टी समीक्षा नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी देश को एक प्रथम आदिवासी और महिला कैंडिडेट और महामहिम देने का काम कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछला महामहिम जो है दलित का दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कलाम साहब को दिया, उसको भी प्रायोजित आपने नहीं कहा। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, तीनों ऐतिहासिक है, और हम राजनीति में हैं तो राजनीति करते रहेंगे। इससे किसी को जलन हो, इससे किसी को चिढ़न हो, वो उसकी ठीक। साबरी साहब देखिए, शाही जी ने जिस तरीके से खंडन किया है, देखिए एक बात तो समझिए नितिन जी, कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कदम बगैर आरएसएस की मर्जी के, बगैर सलाह के नहीं उठता, ये तो इससे तो ये शायद जी इनकार नहीं कर सकते, और इनकार करेंगे तो शायद की बात है मेरे ऊपर नहीं, वो उस चीज को कह रहे कि हमारी एक देश की बड़ी पार्टी है, और हम हर चीज का देश की बड़ी पार्टी किसी जमाने में, लेकिन देश की बड़ी पार्टी किसी जमाने में कांग्रेस भी हुआ करती थी, जैसा कि एक वीवी गिरी को छोड़ करके सारे ही पक्ष के ही राष्ट्रपति हुए हैं, विपक्ष का कभी राष्ट्रपति हुआ नहीं है। ये अलग बात है कि विपक्ष ने जब तक मजबूती के साथ कैंडिडेट लड़ाया तो अच्छा लड़ गया, ये एक अलग बात है। हाँ ये भी सही इल्जाम है कि जो विपक्ष का जो इस बार कैंडिडेट था यशवंत सिन्हा, वो भी कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, सदस्य भी रहे हैं, तो कुल मिलाकर थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के। ये अलग बात है कि विपक्ष ने उनको अपना इस बार उप राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया या प्रत्याशी बनाया, यही वजह रही
कि अब जैसे एक इल्जाम और लगता था कि एक पार्टी छूट रही है अभी उत्तर प्रदेश में, बड़ी पार्टी वो भी है, ठीक बात है, आज की तारीख में उसकी सीटें नहीं है कुछ, बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने भी चुनाव से पहले ऐलान कर दिया था कि हम मुर्मू के साथ हैं हम, तो अब यहाँ पर ये नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई। देखिए बड़ी साफ सी बात है, मायावती भी दलितों की राजनीति कर रही है और दलितों में भी एक और दलित आदिवासी, तो जाहिर सी उनकी भी अपनी राजनीति है, मायावती ने भी सही निर्णय लिया और फैसला दिया। तो फिर आप कैसे कह रहे थे अभी कि ये जरूरत की राजनीति है, यहाँ पर जरूरत के हिसाब से सब कुछ होता है? भाई विचार देखिए, आपने कह दिया कि उन्होंने अपनी जरूरत के लिए वोट दिया है, बहुत कम पार्टियां हैं। देखिए अब जैसे मैं आप नाम बोल लूं, बड़ी पार्टी है लेकिन उसका उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी विचारों की राजनीति करती है, तो मायावती की अपनी राजनीति अलग है, कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी राजनीति अलग है, लेकिन जो पार्टियां दल सत्ता में रहे उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, देखिए नितिन जी वो अब विचारों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वार्थ टकराता है, स्वार्थ की राजनीति करते हैं। ठीक ठीक, दयाराम जी सुना आपने साबरी साहब को, उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया कि ये एक इनाम मिला है और स्वार्थ की राजनीति बताया उसे। देखिए नितिन भाई जी, अब हमारे राजनीतिक विश्लेषक आमिर साबरी जी कुछ भी कहे वो उनका अपना विवेक कह सकते हैं, लेकिन दयाराम जी का ऑडियो कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज सही किया जाए, आपका कुछ ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ फिर से बोलिए। अगर आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। मैंने कहा अगर ये नेताजी हमला हुआ था कि नहीं हुआ था, उस समय समाजवादी पार्टी हमारे साथ पहले विचार भी है, उस समय समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने सुरक्षा की मांग की थी, और मैंने बताया कि स्वयं भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हर जिले से राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को, गृह मंत्रालय को ज्ञापन दिया गया था कि आदरणीय नेताजी की सुरक्षा बहाली जाए, और उस समय तो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने बढ़ करके हिस्सा लिया था। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य को देखते, देखिए ये सतत प्रक्रिया, मैंने पहले भी कहा सुरक्षा देना या ना देना ये गृह मंत्रालय जांच का विषय करता है, पूरा जजमेंट करता है, जजमेंट के बाद अगर वो समझ में आता है गृह मंत्रालय को तो वो राज्य सरकार को आदेश करता है और तब जाके उसको सुरक्षा मिल सकती है, सतत प्रक्रिया है। अब हमारे आमिर साबरी भाई कुछ भी कहे, आप बताइए, मान लीजिए हम अखिलेश जी हमको बुला लिए होते, हम उधर जाते और ये वाली बार सुरक्षा मिलती, तब क्या कहते हैं? तब क्या कहते आप बताइए? और दूसरी बात, चलिए हमको आप कहते हैं कि हम नहीं सुन रहे हैं तो वो नहीं सुन रहे, लेकिन हमको ये जवाब दीजिए कि समाजवादी पार्टी के जो 6 वोट क्रॉस वोटिंग हुई है वो किसके है, ये तय करके बता दे। लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी के साथ ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं 5 से 7 राज्यों में पूरे देश में जो है 11 करोड़ की आबादी आदिवासियों की है। आप देख लीजिए उस आदिवासी समाज को पहली बार 1947 से लेकर 2022 के बीच में उस समाज के लोगों को अपना गौरव महसूस हो रहा है, उनके समाज का कोई प्रथम कुर्सी पे गया है। तो ये जो चीजें हैं इस चीजों को समझना चाहिए, क्योंकि स्वयं भारतीय समाज पार्टी दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की, वंचितों की आवाज मुखर होकर उठाती है, नेताजी राजनीति यहीं से करते हैं। तो अगर अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें बुलावा आया होता, पूछा गया होता, तो जाहिर सी बात हम और देते, नहीं तो अगर सपा बुला लेती है आपको तब भी आप लोग ये चीज सोचते हैं क्या जो अभी आप बता रहे हैं? देखिए हम गठबंधन में, हमें नहीं बुलाया गया, अब तो बीत गया, ये आज भी लोग कह रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं, बताए हमको गठबंधन के साथ ही हमें बताए आप अपने हम अपने साथ रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ये तो समाजवादी पार्टी को तय करना है ना, ये निर्णय ना तो हमारे तारिक भाई ले सकते हैं ना दयाराम भाई को ले सकते हैं। आप कह रहे हैं वो हमें निकाल दें, वो कह रहे हैं वो खुद निकल जाओ, नहीं आप कह रहे हैं वो हमें निकाल दें और वो कह रहे हैं कि आप खुद निकल जाओ, कैसे गठबंधन चल रहा है? देखिए देखिए अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, जब बयान आएगा तो सोचा जाएगा हमारे पास बहुत सारी नहीं, इशारों से तो पता चल जाता है ना कि क्या चल रहा है, इशारों से तो पता चल जाता है दयाराम जी। देखिए नितिन भाई जब वही वाली बात हमारे अभी प्रस्ता के हमारे साथी जो बता रहे हैं, कम से कम अपने घर परिवार को भी इकट्ठा कर लो, हम तो स्वतंत्र दल है भाई, हमें पूछोगे तो रहेंगे, नहीं पूछेंगे तो पूरी और उधर देखेंगे, कांग्रेस आम आदमी पार्टी दुनिया भर की उत्तर प्रदेश में है, हम कहीं ना कहीं अपने, और अगर हम हमें आप हटाओगे हम कहीं ना कहीं रास्ता शाही साहब के पास, शाही साहब के पास फिर से वापस
दयाराम जी, मैं कह रहा हूँ शाही साहब के पास भी जा सकते हैं। नहीं, अगर वो ले जाए अपने, वो अगर ले जाए पार्टी में आपको, तब जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप? नहीं, मैंने कहा ना ये राष्ट्रीय अध्यक्षों के ऊपर निर्भर है, मैंने बार बार इस बात को कहा है, हम उतनी बातें रख सकते हैं जितनी हमें जानकारी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान होता है हम लोग उस पर बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तारिक खान क्या कह रहे थे? नितिन भाई देखिए, एक चीज और ध्यान देने वाली है, मतलब समाजवादी हुक्का होने से हट के मैं बता रहा हूँ। देखिए ये बातें जाहिर की बात है कि जो मुर्मू जी का संघर्ष है वो सम्मान देने लायक है, लेकिन आप याद करिए जब प्रतिभा पाटिल जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था तब भी जो पार्टी सत्ता में रहती है या जो भी पार्टी उसको बनाती है वो तो क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश करती है। उस टाइम पे भी ये क्रेडिट लेने की कोशिश की गई थी कि हमने एक महिला को बना दिया। ऐसे ही जब कलाम साहब को बनाया गया था तो एक आदमी जो बहुत गरीब घर से आता है जिसने देश के ये मिसाइलें बनाई उसको बनाया गया, तो नारायण साहब को बनाया गया तब भी। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत नई बात है जो भाजपा लेना चाहती है कि हाँ वो समाज में, हाँ वोट में उनका कन्वर्जन हो, भाजपा में 14% एससी है तो बिल्कुल देखने वाली बात है। तो वो जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक उनका टेस्ट नहीं होगा, लिटमस टेस्ट तभी होगा जब चुनाव हो जाए। तो ये बात कहना कि प्रतिभा पाटिल साहब के बारे में भी ऐसा हुआ था कि कांग्रेस से पहला महिला, नहीं वो तो दूसरी बात है, वो तो दूसरी बात है, लेकिन अहम बात ये है तारिक भाई कि उन्होंने आपकी पार्टी के अंदर भी तो सेंधमारी करी थी ना, आपके विधायकों के वोट ले आए। एकलाख खान कह रहे हैं कि नेताजी का भी वोट चेक करा लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो वो भी गया हो उधर, और ये भी कह रहे हैं अखिलेश जी का भी कहीं ऐसा ना हो उधर गया हो। अखलाक जी ने तजुर्बे की बनात कर गई ये बात, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम को मुलायम सिंह ने वोट दिया था, पूरी पार्टी ने वोट दिया था। तो अगर लोगों ने वोट दिया, लेकिन समाजवादी के अगर विधायक ने दिया है, जैसे नितिन जी तारिक भाई को पता है या नहीं किसने किसने बगावत की है, कुछ पता करें ये। अच्छा तारिक भाई, कुछ पता चला क्या? शाही तारिक भाई, शाही साहब कह रहे हैं आपने पता कराया किसने किसने दिया है? अभी हमने, मैंने वाकई में पता कर, नहीं शाही साहब को बड़ा एक्साइटमेंट है इसको लेकर के, वो पूछ रहे हैं। नहीं शाही साहब तो एक्साइटेड रहेंगे भाई, उनका कर्तव्य यही है एक्साइट होने का। अभी बीजेपी वाले कुछ क्रॉस वोटिंग कर दे तो हम एक्साइट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे रोल सुभाषपा और शिवपाल साहब की पार्टी का समझ में नहीं आता, बीजेपी तो भाई उनका काम ही है। हमारे विधायकों ने अगर क्रॉस वोटिंग की है तो सवाल उठाएंगे हर पटक पे, ठीक है जाए जाए उनका सवाल, लेकिन हमें अभी पता नहीं चला कि किसने किया, हो सकता है इनवैलिड हो गए वो। नहीं दयाराम जी ये भी कह रहे हैं कि, दयाराम जी ये भी कह रहे हैं कि आप हमें निकाल क्यों नहीं दे रहे हो भाई? देखिए अखिलेश साहब का एक स्टेटमेंट, राजभर साहब को आप एक बार क्लिपिंग जरूर सुन लीजिएगा, विधानसभा में उनके फेवर में क्या बोला था, मैंने आज ही सुनी वो क्लिपिंग। उन्होंने कहा कि गलत हो रहा है, मंत्री रहे, दुनिया भर की लड़ाई लड़ रही उनके लिए। तो वो मैं कह रहा हूँ जो आदमी विधानसभा में, जहाँ जिसको पूरा उत्तर प्रदेश, पूरी हिंदुस्तान देख रहा है, वहां पर उस आदमी को इतना सम्मान दे रहा है, इतनी इज्जत कर रहा है, उनको बार बार ये कि उनके बारे में एक भी स्टेटमेंट बता दीजिए गलत गलत अखिलेश साहब ने किया हो, खाली उन्होंने इतना कहा कि हमें राय की जरूरत नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी आज की नहीं बांधने की पार्टी है, उसको राय की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत प्रहार नहीं किया। आप गलती कहां करते हैं, आपका गठबंधन समाजवादी से हुआ है, अखिलेश यादव से नहीं हुआ, आप टारगेट अखिलेश यादव को करते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है तारिक भाई, ठीक है, 1,00,000 कुछ कह रहे हैं। हाँ शाही साहब, हाँ यहाँ भी डर है तारिक भाई की पार्टी को, डर है भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक का कानून पास किया, ये लोग तलाक भारतीय जनता पार्टी के डर से नहीं दे रहे हैं, समस्या ये नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो उनको ये लग रहा है कि आप ही की वजह से ये सब हुआ है क्रॉस वोट वाला मामला। अरे भाई अब अपने पार्टी के लोगों को पता करें, राजभर साहब ने तो खुल के बोला है हमने बुलाया था, शिवपाल जी को हमने बुलाया था, तो इन लोगों को खुल के, बाकी कौन थे? 111 वोट मिला 125 में से, उसमें इनवैलिड भी नहीं हुआ है। ये कह रहे ये तारिक खान तो कह रहे शायद इनवैलिड हो गया है उसमें। नहीं नहीं उसमें इनवैलिड नहीं हुआ है, ये पूरा हम पता करके बैठे तारिक भाई। अब तो पता कर, अरे आप पता हो जाने दीजिए, फिर से इसी पे डिबेट रख लीजिए।
एक लाख क्या कह रहे हैं? देखिए तारिक भाई जो कहे हैं कि शिवपाल जी का मुझे समझ में नहीं आता है, तो शिवपाल जी आदरणीय शिवपाल जी का पहले सम्मान करना सीख लें। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो सबको पसंद आ जाते हैं, पहले अब वो उनका सम्मान करना सीखें, अपने सीनियर लीडरों को सम्मान करना सीखें, जिस पार्टी से वो, आखिर हमारी पार्टी हमारे नेता स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाते हैं, आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाते हैं, क्यों अखिलेश जी पे सवाल उठाते हैं, क्यों उनको कहते हैं कि ट्विटर के नेता है? आप देखिए, आप बताइए, ट्विटर के अलावा कहाँ निकल के वो संघर्ष कर रहे हैं? 12, 14, 17, 19, 22 कितनी हार हारेंगे और कब संघर्ष करना सीखेंगे? क्या केवल ट्विटर पर रहकर संघर्ष करना सीखेंगे? अगर हमारे नेता को आपको समझना है तो पहले आप हमारे नेता को समझिए और उनका सम्मान करिए। अगर आप आपने हमारे नेता का सम्मान किया होता तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे मुख्यमंत्री होते उत्तर प्रदेश के। तारिक खान लेकिन क्या सम्मान कर दिया आपने तारिक भाई? क्या सम्मान, किस मीटिंग में आपने बुलाया शिवपाल जी को? है तो वो समाजवादी पार्टी से विधायक ना, किस मीटिंग से आपने बुला लिया, कौन सी राय ले ली उनसे आपने? अरे भाई मैं कह रहा हूँ, आप लोग मीटिंग के ही पीछे पड़े रहते हैं। मतलब कि शिवपाल सिंह साहब की अपनी कोई विचारधारा है कि नहीं है, इसका जवाब आप देंगे या नहीं देंगे? नहीं, शिवपाल जी की क्यों नहीं विचारधारा? अगर शिवपाल जी की विचारधारा ना होती तो समाजवादी पार्टी के साथ क्यों आते? अगर अखिलेश जी उनके पास गए थे और चुनाव हार गए हम तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे आप? कौन कहता है हम जाएंगे? आप राम मनोहर लोहिया की पढ़ाई भूल गए जो उसका? अरे आप राम मनोहर लोहिया की पढ़ाई नेताजी का सम्मान नहीं बचा सकते हैं, नेताजी का सम्मान नहीं रख सकते हैं? नेताजी का सम्मान आप करना बताएंगे? हमने किया तभी तो क्रॉस वोट किया, हम तो कह रहे हमने किया। हम कैसे उस आदमी को उनको वोट दे दे जिन्होंने नेताजी का सम्मान ना किया, नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताया था? भाई हम नहीं दे सकते हैं, हमारा जमीर जिंदा है। और उनको वोट दे दे तो नेताजी को कहे कि बचते हैं गलती हो जाती है। भाई साहब ऐसा है तारिक भाई, पहले आप सम्मान करना सीखिए, अपने लोगों का सम्मान करना सीखिए और अपने नेताओं का। देखिए समाजवादी में एक बहुत बड़ा संघर्ष चलता है, मैं आपको बताऊंगा, वो संघर्ष ये चलता है कि कार्यकर्ता अपने नेता से मिलने को तरसता है, ठीक है? मेरी सवाल का जवाब तो दीजिए, बोलिए। आप उनके साथ चले जाएंगे जिन्होंने नेताजी को कहा था, उन्होंने कार्यकर्ताओं पे गोली चला दी, मार दिया, ये लोगों ने तो कहा था? हम क्या उनके साथ है? हमारी पार्टी है, हम अपनी पार्टी में हम कहीं चले गए? हम तो समाजवादी पार्टी के साथ आए 2022 के चुनाव में, एक सीट पे हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव जी ने माना। अरे हमारी विचारधारा ना होती तो हम समाजवादी पार्टी के साथ क्यों आते? आप हमें बताइए, क्या आपकी पार्टी ने केवल अपने नेताओं का अपमान करना ही सीखा है? ठीक है, ठीक है, शाही साहब जी। देखिए ये बार बार जो है हमारे भाई प्रसपा के कह रहे हैं अपमान करने की बात। अपमान तो उन्होंने माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी का किया, खुले मंच से किया, एक बार नहीं दो दो बार तीन तीन बार किया। चाचा को सम्मानजनक तरीके से अपमानित किया, कभी हत्थे पर बैठाया, 100 सीट वो डिक्लेयर कर चुके थे, उसके बाद उनको एक सीट दिया। तो ये अपमान मोह और मद की राजनीति करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी, उनसे कोई सम्मान की उम्मीद न करे। वहां पर ये कहा जाता है, जो अभी कहा हमारे प्रसपा के नेता ने, कि जो वहां पर मिलने के लिए लोगों को तरसना पड़ता है, मिलते नहीं है, तो ये सारी समस्याएं हैं। इसी वजह से उनको जो ये भीड़ कुछ दिख गई थी सड़कों पर, वो और आंदोलित हो गए, जो एक्सप्रेस हाईवे से नीचे नहीं उतर रहे थे, थोड़े से एक मंजिल और ऊपर चढ़ गए, और उसी का खामियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ा है। जो वो अति उत्साह में आत्मविश्वास से लबरेज थे, वो आत्मविश्वास जो है अति आत्मविश्वास में बदल गया, और जनता ने उनको समझा दिया कि आप विपक्ष के लायक है, वहीं बैठिए, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने चलते हैं। भाई सम्मान, देखिए यहाँ सम्मान की बात, भारतीय जनता पार्टी ने सबका सम्मान किया है, किसी नेता कोई भी आए कोई भी हो, सम्मान करते हुए। देखिए अभी इनके विपक्ष के नेता को कोरोना में हुआ, कोरोना, माननीय मुख्यमंत्री जी गए वहां पर उनसे मिले, कोई वो नहीं था सम्मान देने की बात की। शिवपाल जी को सम्मान देना, ओम प्रकाश राजभर जी को सम्मान देना, तो ये भारतीय जनता पार्टी से आप लोग सीखिए। और वही देखिए, अभी एक दुखद घटना हो गई माननीय नेताजी के घर में, अभी एक मृत्यु हुई थी, वहां का एक सीन बड़ा बढ़िया लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब हुआ। माननीय मुलायम सिंह जी गाड़ी में बैठे थे, अखिलेश यादव जी सामने देख रहे थे और शिवपाल सिंह यादव जी दूसरे तरफ देख रहे थे। ये एक बड़ा भी चित्र बहुत चर्चित हुआ, ये बताता है कि परिवार में क्या चल रहा है। और यही स्थिति रही
तो मैं फिर से एक, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये लगता है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी की पार्टी दरक जाएगी, टूट जाएगी इसी वजह से। और दूसरी तरफ 2024 की बात करते हैं, एक लाइन और मैं बोलूंगा, कहते हैं कि हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। किसको बनाएंगे? ममता बनर्जी जी प्रधानमंत्री की कैंडिडेट है, उन्होंने उपराष्ट्रपति का जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसको वोट करने से मना कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी भी एक प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, केसीआर भी हैं, शरद पवार जी भी हैं। किसको आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? कहीं एकता नहीं है। ठीक है, आप देखिए एकता बनाइए, उसके बाद आगे की 2024 की बात कीजिए। 2024 हमारा लक्ष्य 75+ का, हम पहले भी काबिज थे, अभी भी काबिज है। तारिक खान जवाब दीजिए जल्दी से, फिर साबरी साहब के पास। अपने ब्यूरोक्रेट थे, अपने ही मंत्री की बेइज्जती कराने वाले सम्मान की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा खसी का पात्र कुछ नहीं हो सकता। ब्यूरोक्रेट के अपने ही मंत्री की बेइज्जती कराने वाले, अब आप सारी बात समझते होंगे इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, शाही साहब ने बड़ी अजीब कही, उसका भी क्रेडिट लेना चाहते हैं अगर संवेदना से। अरे ये संस्कार है भारत की, अगर आप कहीं पर मिट्टी हो जाते तो चले जाते हैं, उसका भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। बहुत गलत बात है, मुझे नहीं लगता कि ये बात कहेंगे। ठीक है साबरी साहब, कंक्लूड कीजिए। देखिए नितिन जी, ये जो राजनीतिक चर्चा चल रही है, एक बात तो बड़ी साफ सी है, जो आम लोगों का विचार है, शायद इससे आप भी सहमत होंगे, कि वाकई कि जो सपा के मुखिया हैं वो किसी का सम्मान तो नहीं करते, यहाँ तक कि अपने सगे चाचा शिवपाल जी का सम्मान नहीं किया, और दूसरे चाचा जो चाचा सगे ना सही, खून ना सही, लेकिन एक मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के वजूद से पहले से भी उनके साथ, पिताजी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर चले माननीय आदम खान साहब, उनका भी सम्मान नहीं किया उन्होंने, और यहाँ तक के तो उनको बिल्कुल छोड़ दिया था मरने के लिए, कि जब ये मर जाएंगे तो विधवा विलाप करेंगे, उसके बाद फिर मुस्लिमों को वोट इकट्ठा करेंगे। और जहाँ तक शाही जी की एक बात से तो हम बहुत सहमत हैं कि दरक जाएगी पार्टी, देखिए बिल्कुल सही बात यह है। लेकिन शाही जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, एक बड़ी वफादार कौम इनके साथ लगी हुई है, जिस दिन वो इनसे हट जाएगी तो यकीन जानिए 5 सीटें इनके लिए जीतना उत्तर प्रदेश में मुश्किल पड़ जाएंगी। जैसे आपने 2014 में देखा सिर्फ कुनबा जीता था, और 2019 में क्या पोजिशन हुई, कुनबा भी नहीं जीता, सिर्फ पिता और पुत्र जीते थे, बाकी 3 उसमें मुस्लिम प्रत्याशी जीत के आए थे, और आज की तारीख में 5 में से भी मात्र 3 सीटें रह गई हैं। तो ये बात सही है कि अखिलेश जी का ना मिलना और अहंकार रखना, ये दर्शाता है कि वाकई 2024 में इनकी पोजीशन वाकई बहुत खराब होने जा रही है, और 27 में क्या रहेगा ये कहना अजीब सी बात हो जाएगी, मतलब भविष्यवाणी पहले से करना बहुत गलत हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये 15 सीटें भी क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हुई है, उत्तर प्रदेश के 12 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, और समाजवादी पार्टी के 4 से 5 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। ये अखिलेश यादव के लिए चिंताजनक है, क्योंकि पहले उनके गठबंधन के साथ ही उनसे अलग होकर के क्रॉस वोट करके आते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, और उसके बाद अब उनके खुद के विधायकों ने भी क्रॉस वोट किया है। कौन कौन ये हैं, इनका नाम भी कुछ दिनों में ज़रूर सामने आएगा, लेकिन अब आगे की रणनीति और आगे का क्या भविष्य समाजवादी पार्टी का रहेगा, ये भी देखना और समझना बहुत ज़रूरी। फिलहाल आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।